इस वीडियो में सर्कुल ब्रेकर सी आर एम टेस्ट के बारे में देखने वाला है सी आर एम का फुल फॉर्म है कांटेक्ट रेजिस्टेंट मेजरमेंट ये टेस्ट इसलिए करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर मेजरमेंट के लिए ठीक है कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर लो होना चाहिए अगर हाई रहने से क्या होगा गर्म हो के फायर होने के चांस है ठीक है कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर इसलिए हाई होता है अगर किट लूज़ रहेगा नहीं तो करप्शन रहेगा मिस अलाइनमेंट रहेगा गैप रहने से वो रजिस्टर हाई दिखाएगा ठीक है तो हाई रहने से क्या फायर होने के चांस है ठीक है और सिंगल फेसिंग होने के चांस है कॉन्ट्रेक्ट रजिस्ट्री कैसे एक्यूरेट मेजरमेंट होता है या सिंपल सर्किट देखिएगा ठीक इसमें रजिस्ट्रेट लगा रहा हूँ स्विच क्लोज करने से क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है ठीक है तो करंट फ्लो और प्लस ये रेजिस्टेंस अक्रॉस वोल्टेज मेजरमेंट करने से वोल्टेज और करंट तो वो एज पर ओम्स ला वोल्टेज एज बाय करंट करने से रेजिस्टेंस मिल जाएगा ठीक है इसी प्रिंसिपल से एक किट कम करता है एक किट किट से करंट फ्लो होगा कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ठीक है तो अरे ये जो पतला जो वायर दिया ये अक्रॉस वोल्टेज मेजरमेंट करता है ठीक है चलिए अभी देखता हूँ कैसे मेजरमेंट होता है ये देखिए वी सी विंटरप्टर वायर रेकॉर्ड करके रखा हुआ है इसमें देखिए जो सी क्लम लगा हुआ ना वो करंट फ्लो के लिए ठीक है लगा हुआ किट के ऊपर और उसके ऊपर जो छोटा सा क्रकट क्लिप लगा हुआ वो वोल्टेज मेजरमेंट के लिए ठीक है दोनों में लगा हुआ है अभी एक किट कर लिया दूसरा दूसरा किट में लगा रहा है तीनों किट अलग अलग करना पड़ेगा ठीक है मूविंग किट और फिक्सिंग किट में लगाना है दूसरा में वो यू क्लम लगा के पूरा टाइट करना है एकदम टाइट क्लीन करके पूरा बढ़िया से टाइट करना है तो रेजिस्टेंस टिक से नहीं आएगा जहाँ पे लगाएगा वहाँ पे क्लीन करके लगाना है अभी हंड्रेड एम पी एर सेलेक्शन किया हुआ हंड्रेड फिफ्टी ट्वेंटी टेन एम पी का रेंज है हंड्रेड में सेलेक्ट करके ओके दबा दिया अभी करंट फ्लो फ्लोर मेजरमेंट हो रहा है गया अभी करंट है नाइन्टी नाइन पॉइंट एट एम पी फोर्टी थ्री पॉइंट टू ओम्स कॉन्टेक्ट ओम्स ठीक है इसको नोट कर लेंगे वैसा करके तीनों में चेक करना पड़ेगा ठीक है ये एक्चुअली हंड्रेड एम मतलब जो फुल लोड करंट है ब्रेकर है, उसमें टेन परसेंट करंट फ्लो देना है अपने को ठीक है इसमें नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन दिया है फोर्टी सेवन समथिंग अगर कोई कॉन्ट्रेक्ट का रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है तो क्लैम टिक्स से लगा होगा पढ़े से टाइट किया होगा देखना फिर भी आ रहा तो उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा चेक करना लूज कनेक्शन या करे वो सब चेक करना पड़ेगा